अब हम आपको भारत के असाधारण रक्षा घोटालों के बारे में There are certain anxious movements as far as the BJP and the government is concerned because we saw three press conferences yesterday, one after another, trying to take on all this issue. It seems to be more of a deflection tactic than to answer questions. एक ही मेरे देश के हिस्से 36 पास इनके बहाने रहते 36 हजारों ऐसे स्कैम भी करके 36 झूठी साले बात भी करते 36 एक ही मेरे देश के हिस्से 36 पास इनके बहाने रहते 36 हजारों ऐसे स्कैम भी करके 36 झूठी साले बात भी करते सभी के सब बस चोर है मंत्रियों का यही तो रोल है चोरी तो एक रोग है और ये पेड़ तिस में लोगे छोला छापी चोर है इसमें बस हमारा दोष है जाहिलों के हाथों में चलाने दे दी अपना देश है रफाले 60,000 crore स्कैम अनडिस्क्लोज्ड 90,000 crore का ILFS अनडिस्क्लोज्ड अस्तानी पावर 50 KCR रहा अनडिस्क्लोज्ड बताओ तुम्हें स्कैम्स के कितने नाम और मैं दूं नीरव मोदी विजय माल्या ठहरे दोनों चोर साले पर देखो कैसे दोनों घूम रहे देश के बाहर इम्यूनिटी कैसे जब ठहरे दोनों गुनेगार ये किसी का तो साथ है पब्लिक अब तो तुम समझो बात ये घोटाला पे घोटाला इनको किसी ने रोका ना वोट मांगते वक्त देखो कैसे प्रयोग नोटों का कैसे रोकेगा जब पुलिस साथ दे इन लोगों का पब्लिक सर्वर नाम पे चुरा लिया सर्विस पब्लिक का 36 एक ही मेरे देश के हिस्से 36 पास इनके बहाने रहते 36 हजारों ऐसे स्कैम भी करके 36 झूठी साले बात भी करते 36 एक ही मेरे देश के हिस्से 36 पास इनके बहाने रहते 36 हजारों ऐसे स्कैम भी करके 36 झूठी साले बात भी करते बिके हुए है सब साले पुलिस मंत्री सब बेकार है देश का भी बुरा हाल है डाउन इकोनॉमी ओमिक्रॉन है खिलाया जिसने देश को आज सड़क पे खड़ा वही किसान है चार किसानों की मौत और बीजेपी अब तक कर रहा इंसाफ है डेमोक्रेसी है डिक्टेटरशिप नहीं है आवाम अगर उठा देती है ना तो आवाम गिरा भी देती है इतना समझ के चलो बस